हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम्ड होता है उसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले आता है उसमें आता है अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम। इसका जो अमाउंट होगा उसको हम इसके सामने लिख देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एडवांस पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम इन द बिगनिंग, मतलब जो प्रीवियस ईयर का एडवांस होगा उसे ऐड करेंगे। और साथ ही जो क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल आइटम एट द एंड, मतलब जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स होंगे उसे भी इसके साथ ऐड करेंगे। फिर इसके बाद जो अमाउंट आ जाएगा उसमें से हम लेस करेंगे एडवांस पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स एट द एंड, मतलब जो करंट ईयर का एडवांस है उसे लेस करेंगे। और साथ ही क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम इन द बिगनिंग को भी हम इसमें से लेस करेंगे जो ओपनिंग क्रेडिटर्स होंगे। इन द बिगनिंग का मतलब जो ओपनिंग क्रेडिटर्स है इसको भी लेस कर देंगे। फिर इसमें का जो अमाउंट आएगा वो हमारा होगा परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर। फिर जो ये परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर आएगा इसमें हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। इसके साथ हमारा निकल जाएगा आइटम्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। इसके साथ ही जब हम इसको करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर इफ़ purchase of consumable items is given instead of payment, then outstanding creditors and advance paid to creditors will not be adjusted to find the amount consumed, and in this case consumed amount will be net purchase plus opening stock minus closing stock। मतलब अगर क्वेश्चन में purchase of consumable item given हो पेमेंट की जगह, तो हम जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं और एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स है उसे एडजस्ट नहीं करेंगे, तब हमारा आंसर नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके आ जाएगा। थैंक यू।